आज हम जानते हैं आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 30 के बारे में, यानी कि 13 से लेकर 30 के बारे में जानते हैं ऑफ यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। आर्टिकल 13 बता रहा है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, यानी कि कहीं पे भी जा सकना और रेसिडेंस ले सकना एक स्टेट के अंदर। आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1)(e) ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत के संविधान का, वो बताता है कि राइट टू फ्री मूवमेंट एंड रेसाइड एनी वेयर इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जहां पे भारत की जमीन हो वहां पे आप रिसाइड और रह सकते हैं। अगला बता रहा है कि राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग इज ओन, यानी कि देश छोड़ने की बात कर रहा है कि अपना देश छोड़ के या दूसरा देश छोड़ के आप भारत देश आ सकते हैं, किसी भी देश जा सकते हैं। अब ये देखना है आपको कि भारत के संविधान में इस तरह का प्रावधान नहीं दिया गया था, लेकिन जब मेनका गांधी का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया, कोर्ट ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो वहां पे क्या बताया गया कि जो है राइट टू गो अब्रॉड जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। अब देखना है कि आर्टिकल 14 क्या बता रहा है, वो बता रहा है असाइलम ले सकते हैं, यानी कि शरण ले सकते हैं किसी देश में अगर हमको डर है कि हमारे देश में हम पे हमला हो सकता है या हमको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों में नहीं भी कर सकते हैं। वो बता दिया कि नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स होंगे, अगर होंगे तो फिर वहां पे नहीं कर सकते हैं। एवरीवन हैज राइट टू नेशनैलिटी, तो 15 बता रहा है नेशनैलिटी के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 हमको ये बताता है भारत के संविधान का कि हम नेशनैलिटी अपने देश की ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं ये बताया गया। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो बताता है वो कैसे नेशनैलिटी ली जाएगी ये बताता है, और आर्टिकल 11 ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास ही पावर होगी कि वो किसी की नेशनैलिटी के लिए लॉ बना सके। इसलिए पार्लियामेंट ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना दी है, जिसमें मुख्य 3 अमेंडमेंट किए हैं और अभी आखिरी अमेंडमेंट 2003 का उसमें हुआ है। तो आज हमको ये समझना है कि नेशनैलिटी 2 तरह से ली जा सकती है। एक होती है जस्ट सोली, यानी कि JUSSOLI जस्ट सोली, और दूसरा होता है जस्ट सैंग्विनिस, SANGUNIS। जस्ट सोली एक लिबरल अप्रोच है जो कहता है कि जहां पे आप पैदा हुए हो वहां के नागरिक आप हो जाएंगे, और जस्ट सैंग्विनिस कहता है कि आपको ब्लड रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि आपके पिताजी या दादाजी यहां पैदा हुए हो या कोई भी फोर फादर यहां पैदा हुए हो, ब्लड का रिश्ता होना चाहिए। जस्ट सोली बहुत लिबरल अप्रोच है और इंटरनेशनल लॉ इसको प्रमोट करता है कि आप जहां पे पैदा हुए हो वहीं की नागरिकता को मिल जाए, ये बेस्ट है, क्योंकि जस्ट सैंग्विनिस एक बहुत नॉन मॉडर्न अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है जस्ट सोली। आर्टिकल 16 बता रहा है कि मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन टू ड्यू नेशनैलिटी रिलीजन हैव अ राइट टू मैरी, तो भैया मेरी मैटर ऑफ चॉइस है कि मैं शादी करूं या ना करूं। इसमें आप आर्टिकल 21 को अगर देख लेंगे संविधान के, तो वो बताएगा लिबर्टी के बारे में, तो उसी से इसका रिलेशन है। आर्टिकल 17 बता रहा है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, हमको जानना है कि पहले 19(1)(f) में थी राइट टू प्रॉपर्टी, पर उसके बाद इसको अब आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी एक संवैधानिक राइट है। आर्टिकल 18 बता रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट कंसाइंस रिलीजन, अब देखिए फ्रीडम ऑफ थॉट कंसाइंस और रिलीजन जो है, इस तरह की बातें प्रियम्बल में भी की गई हैं, जहां पर थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ और वर्शिप के बारे में बताया गया है, यानी कि सेकुलरिज्म के बारे में बताया गया है, और साथ ही हमको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भी ये बात मिल जाती है। आर्टिकल 25 और 26 जो हैं वो बात करते हैं इंडिविजुअल राइट की और राइट टू डिनोमिनेशन की, यानी कि एक संगठन में मिलके हम अपना रिलीजन एक्सरसाइज करेंगे, ये बताता है 26। ईदर अलोन और इन कम्युनिटी, देखिएगा अलोन या कम्युनिटी में दोनों बातें लिखी गई हैं, तो अलोन यानी कि आर्टिकल 25 की बात कर रहा है और कम्युनिटी यानी कि आर्टिकल 26 की बात हो रही है। आर्टिकल 19 पे आते हैं जो बताता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन या एक्सप्रेशन, तो यानी कि मैं अपनी ओपिनियन अपने को एक्सप्रेस कर सकूं, ऐसी सिमिलर बात आर्टिकल 19(1)(a) में भी की गई है भारत के संविधान के, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 20 के बारे में जानते हैं, बता रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, कि हम जो है शांति से गठन कर सकें और जो है उस गठन का पार्ट हो सकें जो भी संगठन हमने बनाया है। आर्टिकल 19(1)(b) भी इसके बारे में बताता है भारत के संविधान का, 19(1)(b). अगला आर्टिकल 21 पे आते हैं जो बात करता है कि राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इस कंट्री, यानी कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं या चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, वोट डाल सकता हूं, पब्लिक एक्सेस कर सकता हूं सर्विसेज की, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आप इसके बारे में देखेंगे तो पॉलिटिकल जस्टिस जो हमारे प्रियम्बल में भी बताया गया है, साथ ही चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है और बताया गया कि एक चुनाव आयोग होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होगा और स्टेट के लिए भी एक होगा। इसी के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट
1950 और 51 भी बनाई गई है। आप अगर आप 21-2 को देखेंगे, वो कह रहा है कि राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, यानी कि सरकारी नौकरियों की बात कर रहा है। इसके लिए हमारा आर्टिकल 16 बना हुआ है जो 7 ग्राउंड पर बताता है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। 21-3 आप देखेंगे तो क्या लिखा है कि विल ऑफ द पीपल शैल बी द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, कि यानी कि चुनाव होगा तो ये हमारी इच्छा होगी, यानी कि हमारी विल होगी। तो हमारा पूरा संविधान जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने बनाया है, यानी कि विल ऑफ द पीपल है। और आपको याद होगा कि बी आर अम्बेडकर ने जब DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाने की बात करी थी, तो ये कहा था कि जो भी सरकार DPSP को नहीं बनाएगी वो अगली बार चुन के नहीं आएगी। तो यहाँ से भी समझ के आ रहा है कि चुनी हुई सरकार के बारे में बात की जा रही है और चुनाव के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी को भी इंदिरा गांधी के केस में क्या बोला गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 पे आते हैं जो बात कर रहा है कि एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हैज अ राइट टू सोशल सिक्योरिटी, तो सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। डीपीएसपी देखेंगे तो वो पूरा इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के बारे में ही बता रहा है। आर्टिकल 23 पे आते हैं राइट टू वर्क, फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम करने का अधिकार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, जस्ट और फेवरेबल कंडीशन भी हो एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि हमको हर तरह से काम अच्छा मिले, वहाँ पे वक्त निर्धारित हो कि इतना वक्त काम करना है, और जो जगह हो वो साफ सुथरी हो, हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज वहाँ पे हो। तो इसके लिए आप आर्टिकल 41 और 42 देखेंगे DPSP का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको जो है जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए आपके लिए, राइट टू वर्क हो, राइट टू एजुकेशन हो, पब्लिक असिस्टेंस हो, इसके बारे में बात करी जा रही है। अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 24 बता रहा है राइट टू रेस्ट एंड लेजर, कि जो है कुछ आराम करने का और जो है अपना काम ढंग से करने के भी हमको अधिकार मिले हुए हैं। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे तो आपको सिमिलर आर्टिकल्स 41 और 42 इसके बारे में बात कर देते हैं, साथ ही 43 भी इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 पे आते हैं जो बात करता है कि लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, तो यानी कि फैमिली की बात कर रहा है, राइट टू फूड की बात कर रहा है, क्लोथिंग की बात कर रहा है, इन सब के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 42, 39E, आर्टिकल 45 देखिएगा, चाइल्डहुड और मदरहुड के बारे में बात कर रहा है कि मदरहुड को भी मेंटेन करना है, यानी कि जो माँ है उसको अगर जहाँ पर नौकरी कर रही है वहाँ पर उसको कुछ फैसिलिटीज मिले, मैटरनिटी बेनिफिट मिले, तो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में भी हमारे भारत के संविधान में कुछ प्रावधान दे दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 42। और साथ ही आर्टिकल 45 बता रहा है कि बच्चे की एजुकेशन के बारे में बात भी कर रहा है, तो चाइल्डहुड की भी केयर हो रही है इससे। तो इसी तरह आपको समझना है कि आर्टिकल 42, 39E, 39E आपका देखिए क्या बता रहा है आपका कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन एंड वेमेन टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों की बात भी आ गई इसमें कि इनको अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, यानी कि मालूम पड़ा किसी को पैसे के मोहताजी करके किसी को कम तनख्वाह पे रखना और उसे जबरन काम करवाना, उसको पैसे ना देना, ये सब नहीं किया जाएगा, कुछ डिग्निफाइड लाइफ की तरह काम किया जाएगा जैसे कि आर्टिकल 21 में बताया गया। आर्टिकल 26 बता रहा है राइट टू एजुकेशन के बारे में। अब एजुकेशन के बारे में ये पूरा आर्टिकल ही बता रहा है। अब आप देखिएगा कि मोहिनी जैन का मामला, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का मामला भी आया था, जहाँ पे क्या कहा गया था कि सबको राइट टू एजुकेशन मिलेगा, पर इन्होंने कोई भी एग्जेम्पशन नहीं डाला कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल होगा कि कोई लेवल होगा, यानी कि पूरे लेवल तक डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मामला है उन्नीकृष्णन का, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि एक एज निर्धारित कर दी कि 6 से 14 साल, कि अप टू 14 ईयर्स बताया था इसमें, कि उन्नीकृष्णन ने क्या बोला कि अप टू 14 ईयर्स सबको एजुकेशन का राइट मिलेगा। तो पहले क्या मामला था मोहिनी जैन के मामले में कि कोई एज लिमिट डिसाइड नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल तक को फ्री कर दिया गया। फिर वापस उन्नीकृष्णन के मामले में क्या कहा गया कि 0 से 14 साल बच्चों के लिए एजुकेशन को मिला जाएगा। उसके बाद आया हमारे पास, उसमें यह बता दिया गया कि राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि यानी कि जीने के अधिकार में एजुकेशन का अधिकार शामिल है। इसके बाद जब हमने कुछ इंटरनेशनल मामले ट्रीटीज में साइन किया तो वहाँ पे हमको एजुकेशन को अपने अधिकारों में लाना पड़ा, क्योंकि जब इंटरनेशनल कवर्नेंट या कन्वेंशन को हम साइन करते हैं तो उसको अपने लागू करना पड़ता है, अगर हमने रेटिफाई कर दिया हो तो। तो जब हमने रेटिफिकेशन कर दिया उसके बाद हमने 86 संविधान का संशोधन किया, यानी कि 86वां संशोधन किया 2002 में, और वहाँ से हमने जो है 3 आर्टिकल को चेंज किया। एक आर्टिकल 21A लेके आए फंडामेंटल राइट में, और हमने ये कहा कि 6 से 14 साल बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रावधान हम कर देंगे एज अ फंडामेंटल राइट। तो आप शुरू से समझिएगा मोहिनी जैन के मामले में क्या बोला गया कि सबको एजुकेशन मिलेगी, कोई उम्र बताई नहीं गई।
फिर उसके बाद आया उन्नीकरण का मामला, जहां पे एक आ गया कि 14 साल के बच्चों तक को एजुकेशन मिलेगी, यानी कि इसमें लोअर एज कुछ नहीं है, 14 साल अपर एज है, यानी कि एक स्टार्टिंग एजुकेशन मिल जाए, प्राइमरी एजुकेशन को मिल जाए। और ये कहा कि ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, यानी कि जीने के अधिकार में शामिल है। उसके बाद हमने कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी, और उसके बाद अपने संशोधन करके 86वां संशोधन करके 2002 में आर्टिकल 21A लेके आए, आर्टिकल 45 में संशोधन किया, और 6 से 14 साल की उम्र जो है वो आर्टिकल 21A में डाल दी। और आर्टिकल 45 में क्या कहा गया कि 0 से 6 साल बच्चे के लिए, यानी कि 0 टू 6 ईयर बच्चे के लिए हम कुछ डेवलपमेंट करेंगे, उनका विकास करेंगे, उनको पढ़ाई लिखाने की कोशिश करेंगे। और फिर आर्टिकल 51A में केयर क्लॉज डाल दिया, यानी कि आखिरी क्लॉज जो है 11वां क्लॉज वो डाल दिया फंडामेंटल ड्यूटी में, कि सबके लीगल गार्डियन के पास ये काम होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आर्टिकल 27 क्या बता रहा है कि फ्रीली पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ, तो अपनी कल्चरल लाइफ में पार्टिसिपेट करिए, इसमें कुछ संविधान से जुड़ा हुआ ऐसा खास नहीं बताया गया। आप आर्टिकल 28 देखिएगा कि एवरीवन इज एंटाइटेड टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन विच राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर्थ इन डिक्लेरेशन कैन बी रियलाइज्ड, तो सबको सोशल और इंटरनेशनल ऑर्डर रखना है ताकि इस डिक्लेरेशन में, यानी कि इस 1 से लेकर 30 UDHR के अंदर जो जो बातें की गई हैं वो फुलफिल हो सके। तो ये समझ लीजिए कि लगभग आपका यह मामला पूरा हो चुका है। आर्टिकल 29 बता रहा है ड्यूटीज़ के बारे में, तो यानी कि पूरे के पूरे UDHR में केवल एक क्लॉज है जो बता रहा है ड्यूटीज़ के बारे में कि ड्यूटीज़ क्या होंगी सिटीजन्स की और स्टेट्स की। आर्टिकल 30 क्या बता रहा है कि इस प्रावधान को, यानी कि UDHR को ऐसे ना पढ़ा जाए कि इसमें कोई अधिकार को हम टेढ़ा मेढ़ा घुमा के बता दें, यानी कि हमको इन अधिकारों को पॉजिटिव सेंस में लेके चलना है और उसी तरह कानून बनाना है। थैंक यू एवरीवन।